हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बोलिए, ये इन दोनों के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना टेस्ट आप खुद दे दीजिए। जैसे ही वीडियो आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना पहले आंसर लिखिए, और फिर उसके बाद में अपने आंसर को देखिए और फिर मैच कीजिए। ऐसे सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। तो जैसा कि आज हम देख रहे थे कि आप मशीन, जिसमें कि हम मैकेनिज्म एंड मशीन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द लीड स्क्रू ऑफ द लिथ विथ नट इज, मतलब इसमें कहा है जो आपका लीड स्क्रू होता है, सॉरी यहाँ पे अखरोट लिखा हुआ आ गया है, वो लीड स्क्रू की बात किया है। तो जो लीड स्क्रू लगा हुआ होता है आपका लीथ मशीन में, उसने बोला है तो वो किस पेयर का एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ बताना है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं अलग अलग तरह के आपके पेयर्स होते हैं, तो उसमें जो आपको बता के चलना है कि पहला ऑप्शन दिया आपको स्लाइडिंग पेयर, दूसरा दिया टर्निंग पेयर, तीसरा दिया रोलिंग पेयर, और चौथा ऑप्शन है आपका स्क्रू पेयर। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा आपका स्क्रू पेयर। चलिए समझते हैं कि किस तरह से स्क्रू पेयर आपका आंसर है। ठीक, जैसे अगर हम बात करिए लेथ मशीन में, आप जब नीचे की साइड में राइट साइड में अगर देखते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर देखिए, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा एक इस तरह से कुछ नट लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसे कि हम स्क्रू नट कहते हैं। व्हेन द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इज सच दैट वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर स्क्रू थ्रेड्स, द पेयर इज नोन एज अ स्क्रू पेयर। मतलब इसमें बात किया है, जैसे हमने अलग अलग पेयर्स की अगर बात किया था, जैसे हम थ्योरी ऑफ मशीन के जो मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम टाइप्स ऑफ पेयर्स पढ़ते हैं, तो भाई काफी तरह के पेयर होते हैं। पेयर की अगर हम बात डेफिनेशन समझे, तो जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में होती है जिसमें से कि एक स्थिर होती है और दूसरी गतिमान होती है, ठीक, तो उस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका पेयर। पेयर के लिए मस्ट है कि उसमें से कोई ना कोई एक बॉडी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी वो आपका पेयर कहलाएगा। अदरवाइज दो बॉडी आपस में एक दूसरे से जुड़े तो है लेकिन उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट पेयर, वो पेयर नहीं कहलाएगा, वो फिर आपका लिंक कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात किया है इसमें कि जो स्क्रू, जो आपका स्क्रू पेयर की बात किया है, तो इसमें होता है कि जो थ्रेड होती है उसके आसपास जो आपका होता है जो स्क्रू होता है वो घूमते जाता है, तो इस तरह का जो आपका लगा हुआ पेयर कहलाता है वो कहलाता है स्क्रू पेयर। द लीड स्क्रू पेयर ऑफ अ लेथ विथ नट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्क्रू पेयर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इन काइनेमेटिक पेयर व्हेन द एलिमेंट हैव सरफेस कॉन्टेक्ट व्हाइल इन मोशन इट इज अ, मतलब कहा है कि गतिज जोड़ी में जब गति में तत्वों का सतह से संपर्क होता है तो यह होता है। मतलब इसमें पूछा है आपको कि भाई काइनेमेटिक पेयर में जब अगर बात कीजिए हमारा सरफेस कॉन्टेक्ट में होता है तो किस पेयर के एग्जांपल वो होता है वो पूछा है आपको। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है हायर पेयर, सेकंड ऑप्शन है आपका क्लोज पेयर, थर्ड है आपका लोअर पेयर, एंड फोर्थ है आपका स्फेरिकल पेयर। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका लोअर पेयर। चलिए किस तरह से वो लोअर पेयर होगा समझते हैं। ठीक, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके सारे पेयर के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, तो इसमें आपको पूछा था क्वेश्चन की अगर तरफ हम जाए तो लोअर पेयर की अगर इसमें बात किया है, लोअर पेयर जैसे आप देखिए कि जब आपकी सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है, जब दो बॉडी आपस में जो दो लिंक है आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें अगर वो सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है तो वो एग्जांपल होता है आपका लोअर पेयर का, और अदरवाइज पॉइंट कॉन्टेक्ट में होता है तो वो होता है आपका हायर पेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इसमें अगर आप देखिए ये जैसे इसमें भी देख सकते हैं आप सेकंड वाले डायग्राम में, तो इसमें यहाँ पे इससे ये जो आपका ये दूसरी बॉडी जो लगी जिसके जो जो आपको जो येलो कलर की दिख रही है इसके अंदर जो स्लाइड कर रही है उसकी पूरी सरफेस से कॉन्टेक्ट में होगी, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका लोअर पेयर का एग्जाम्पल। और हायर पेयर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो कैम एंड फॉलोवर होता है, अभी कैम का जो फॉलोवर से सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में रहता है, इसलिए वो आपका किस में आ जाता है हायर पेयर में। हमने टाइप्स ऑफ जो पेयर है उसमें पढ़ा है, तो उसमें आप देखिएगा कि लोअर पेयर और हायर पेयर में डिफरेंस आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही है कि जो जब सतह आपकी संपर्क में होती है तो वो हो जाता है लोअर पेयर का एग्जांपल, और पॉइंट कॉन्टेक्ट में होता है तो वो हो जाता है एग्जांपल आपका हायर पेयर का। ठीक है, तो उसमें कहा है जैसे एक्सप्लेनेशन में देखिए, द टू लिंक और एलिमेंट्स ऑफ अ मशीन व्हेन इन द कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर आर सेड टू बी फॉर अ पेयर।
अगर बात करें इसमें बोला है कि भाई ईच अदर एक दूसरे के अगर वो सरफेस कॉन्टेक्ट में रहते, ऐसे अगर हम दो लिंक की बात करें जिसमें से कि दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो, तो वो तो आपका कहलाएगा क्या, क्या पेयर कहलाएगा, जिसमें से कि एक मोस्ट है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए तभी वो पेयर कहलाएगा। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर हैव सरफेस कॉन्टेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस एंड द सरफेस, उसमें बात किया है, एक सेकेंड हम इसमें आपका पॉइंटर ले लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर हैव सरफेस कॉन्टेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस एंड द सरफेस ऑफ वन एलिमेंट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर द पेयर फॉर्म इज नोन एज लोअर पेयर। वही इसमें कहा है कि जब अगर हम बोले कोई सतह आपकी कॉन्टेक्ट में होती है तो वो जो एग्जाम्पल होता है आपका, ये होता है आपका लोअर पेयर का एग्जाम्पल। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, द नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर स्लाइडर क्रैंक चेन, मतलब इसमें कहा है कि एक स्लाइडर क्रैंक श्रृंखला में व्युत्क्रमों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया आपको 3, दूसरा दिया आपको 4, तीसरा दिया 5 और छठवा चौथा दिया आपको 6। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि भाई एक इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन में कितने आपके जो स्लाइडर क्रैंक अगर चेन का है कि ये एग्जांपल ले तो उसमें कितने इन्वर्जन हो गए, तो राइट आंसर हमारा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 4 इन्वर्जन हो गए। चलिए आइए समझते किस तरह से आपके 4 इन्वर्जन हो गए। ठीक, अज्यूमिंग व्हाट यू मीन इज द फॉर्मर वी कैन ऑब्टेन फॉर इन्वर्जन फ्रॉम अ स्लाइडर क्रैंक चेन इन द फर्स्ट इन्वर्जन द लॉन्गेस्ट लिंक एग्जाम्पल द वन इन विच द स्लाइडर स्लाइड्स इज फिक्स्ड द शॉर्टेस्ट लिंक एक्ट्स एज अ क्रैंक एंड द थर्ड लिंक ऑसिलेट्स द स्लाइडर स्लाइड्स ऑन द फिक्स्ड लिंक। मतलब इसमें कहा है कि भाई जैसे आपका ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का डायग्राम है, ये स्लाइडर इसके अंदर जो होगा पिस्टन के अंदर स्लाइड करेगा, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट होगी जो कि गोल गोल घूमेगी, ये कनेक्टिंग रॉड होगी जो इसे जुड़ेगी पिस्टन को जोड़ रही है, पिस्टन रॉड है आपकी, ये पिस्टन कहलाता है, ये सिलेंडर कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें पूछा था आपको कि नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हो गए, तो इन्वर्जन आपके 4 हो गए भाई, एक के अनुसार मतलब आपके यहाँ पे 4 कड़िया है अगर हम बात करें, और वन बाय वन अगर आप जोड़ एक एक को फिक्स रख रहे हैं तो उसमें आपको 4 इन्वर्जन पता होगी, और इन्हीं इन्वर्जन के बेसिस पे आगे आपके मशीन के और भी अन्य प्रकार बनाए जाते हैं। एक तरह से आप बेसिक समझ सकते भी किसी भी बड़ी से बड़ी मशीन का इनोवेशन कहाँ से हुआ, तो इन्हीं इन्वर्जन के थ्रू आ गया। जैसे स्टार्टिंग में हुआ कि हमने 4 लिंक को आपस में जोड़ दिया, 4 लिंक को तो वही जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद में अब अकॉर्डिंग टू अलग अलग वर्क में हमारे अलग अलग हमको मोशन प्राप्त होती है, कहीं हमें आउटपुट के रूप में हमें स्लाइडिंग मोशन की जरूरत होती है तो कहीं हमें रोटेटिंग मोशन की जरूरत होती है। तो हम इन्हीं लिंक को अलग अलग तरह से फिक्स करके ये विभिन्न प्रकार की गतियां प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या काम किया कि इसे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे होगा कि क्रैंक घूमता रहेगा, शॉर्टेस्ट लिंक जो घूमेगा ये ऐसा यहाँ पे ये स्लाइड करेगा या ऑसिलेट करेगा, तो आपको जो रोटरी मोशन से यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन प्राप्त होगी। ठीक है, और आपने मान लीजिए इसे ये जो है इसे फिक्स कर दिया, मतलब अलग अलग तरीके से आप एक एक को फिक्स कर रहे हैं तो आपको मोशन भी आपको विभिन्न प्रकार की प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे मान लिया आपको ऑसिलेटरी मोशन प्राप्त हो रही है तो आपने इधर इसको फिक्स कर दिया तो ये होगा कि ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा, तो मतलब आप आउटपुट में आपको रोटरी मोशन मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, मतलब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डबल स्लाइडर क्रैंक श्रृंखला का उलट है, मतलब इन्वर्जन की बात किया है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, दूसरा है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, तीसरा आपका स्कॉच योक और चौथा आपका रोटरी इंजन। तो राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर यहाँ होगा आपका स्कॉच योक। इसमें पूछा है कि इनमें से जो होगा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का कौन एग्जाम्पल होगा, इसकी बात किया है। तो चलिए समझते हैं आपका राइट आंसर, में देखा जो स्कॉच योक होगा वो आपका राइट आंसर है। तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, इसमें जो बोला है जो आपकी विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो होती है वो होती है आपकी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, है ना, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर। इसमें बोला है कि ये जो इस तरह का जो इन्वर्जन होता है आपका, इसमें एक स्लाइडिंग पेयर होता है जो कि जैसे देखिए स्लाइडिंग है, स्लाइड कर रहा है,
और थ्री टर्निंग पियर हो गए, मतलब टर्न करने वाले आपके थ्री पियर्स हो गए। जैसे आप स्कॉच योक का देखना चाहे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जो रोटरी मोशन होती है उसको आपकी ऑसिलेटरी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये गोल गोल घूमने वाली जो आपकी गति है उसको ऐसी रैखिक गति में कन्वर्ट किया जाता है, ये बोल सकते हैं आप। इट इज अ इन्वर्जन ऑफ द डबल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट मैकेनिज्म। जो आपका स्कॉच योक होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका उत्क्रमण होता है, डबल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट मैकेनिज्म का इन्वर्जन होता है, ठीक है। इट इज यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका उपयोग जो रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। द स्कॉच योक इज अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन मैकेनिज्म कन्वर्टिंग द लीनियर मोशन अ स्लाइडर इंटू रोटेशनल मोशन और वाइस वर्सा, द पिस्टन और अदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज डायरेक्टली कपल्ड टू अ स्लाइडिंग योक विथ अ स्लॉट दैट एंगेज्ड अ पिन ऑन द रोटेटिंग पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म मीन्स, मतलब एक जो उत्क्रमण का उलट, एक तंत्र का उत्क्रमण का मतलब क्या होता है, ये पूछा है आपको। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका टर्निंग इट अपसाइड डाउन, सेकंड है आपका फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन द इन अ काइनेमेटिक चेन, थर्ड है आपका चेंजिंग अ हायर पियर टू लोअर पियर, और डी है आपका चेंजिंग द इनपुट एंड द आउटपुट लिंक्स। ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए है। अब आपको इसमें से आपका राइट आंसर बताना है कि जो राइट आंसर होगा आपका फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन। मतलब पूछा है कि जो इन्वर्जन मैकेनिज्म जो होता है, उत्क्रमण का मतलब क्या होता है, एक उत्क्रमण मैकेनिज्म है, यंत्रावली है या तंत्र है, उसका आशय पूछा है। तो भाई उसका आशय बस इतना है, जैसे आप सिंपल ये मैं आपको एक्सप्लेन करके जैसे दिखाऊं, पेन लेके चलते हैं हम, जैसे देखिए। तो जैसे मान लीजिए आपके चार लिंक है, ये एक लिंक हो गया आपका, ये दूसरा लिंक हो गया, यहाँ से हमने ले लिए एक तीसरा लिंक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ले लिया आपने चौथा लिंक, ये आपका एक तरीके से किए लिंक से आप किए किए फोर बार चेन मैकेनिज्म बन गई, ठीक है। अब इसमें होगा कि हम एक एक लिंक को वन बाय वन जैसे फिक्स करते जाते हैं, तो उस तरीके से हमें अलग अलग मोशन प्राप्त होती है, और उन्हीं मोशनों को हमने बोला, मान लीजिए पहले एक बार हमने इसे फिक्स कर दिया, दूसरे बार में हमने इसे फिक्स कर दिया, इसको एक वन वाले को फ्री छोड़ दिया, तीसरे बार में हमने क्या कर दिया, ये मान लेते इसको सी मान लेते, सी वाले को फिक्स कर दिया, फिर डी वाले को फोर कर फिक्स कर दिया चौथे बार में। तो ऐसे अलग अलग बार अलग अलग टाइम पर हम एक एक लिंक को फिक्स कर जाते हैं क्रमशः, तो वो कहलाता है आपका, उससे आपको जो गतियां प्राप्त होती है वो कहलाता है आपकी मशीन के इन्वर्जन। जैसे इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत इजिली समझ सकते हैं कि आपके इन्वर्जन किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन बाय द फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ द मैकेनिज्म वन एट अ टाइम। मतलब इसमें कहा है जो इन्वर्जन होता है आपका किसी मशीन का, वो आप कह सकते हैं कि एक समय में किसी एक लिंक को फिक्स करने पर आपकी अलग अलग तरह की जो गतियां प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। द नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर अ मैकेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक इन द मैकेनिज्म। मतलब कहा है जो आपके नंबर ऑफ इन्वर्जन होते हैं वो कितने होते हैं, जितनी की आपकी लिंक है आपके पास में, जो आपकी मैकेनिज्म बनी है, अब उसमें कितने लिंक होगी, मान लीजिए दिख रहा है यहाँ पे, मानने की बात नहीं, जो दिख रहा है आपको इसमें कितने लिंक है, आपकी चार लिंक है, वन टू थ्री फोर, तो इसमें इन्वर्जन कितने हो गए, तो ऑब्वियसली आपके चार इन्वर्जन हो गए। अगर इसके अलावा यहाँ पे पांच लिंक अवेलेबल होते तो उसके इन्वर्जन भी पांच होते। तो जो नंबर ऑफ लिंक अगर आप इंक्रीज करते जाते तो आपके इन्वर्जन भी बढ़ते जाते, एंड नंबर ऑफ लिंक आप डिक्रीज करते तो आपके इन्वर्जन भी कम होते जाते। मतलब इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लिंक, ये कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ, मतलब कहा है एक त्वरित वापसी तंत्र का जो उत्क्रमण है, मतलब किसका उत्क्रमण है, ये पूछा है आपको। जो आपका क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है वो किसका इन्वर्जन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट, सेकंड है आपका डबल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट, और तीसरा है, थर्ड है आपका फोर बार चेन, और चौथा है आपका क्रॉस स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आपका होगा ये होगा जो सिंगल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट है वो उसका आपका ये एग्जांपल होगा, ठीक है। चलिए बात करते समझते इसे। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग एंड वाइस वर्सा। मतलब कहा है कि इस तरह का जो मैकेनिज्म होते हैं, जो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होते हैं, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका कि जो आपकी रोटरी मोशन होती है, मतलब जो गोल घूमने वाली मोशन होती है, उसे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। या फिर कभी ये भी होता है कि जो आपकी वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
इन्वर्जन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म इज ऑब्टेन बाय द फिक्सिंग लिंक 2, 3 एंड 4। मतलब वही कहा है कि जो इन्वर्जन होते हैं अलग अलग लिंक को वन बाय वन आप फिक्स करने के बाद प्राप्त करते हैं। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म। तो वही बात किया है कि जो स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म होता है इसका ये उदाहरण या कैसे कहें हम इसका ये एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से हमारे आज के वीडियो एंड होते हैं और आई होप अगर आपको चीज़ें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स हो क्वेश्चंस में तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।